दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगी गेहूं के आटे से बना मसाला डोसा, क्रिस्पी डोसा, इजी टेस्टी क्विक कैसे आप बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शालू है और मेरी किचन शालूज लव बुक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको सिखा देती हूँ बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी डोसा बनाना, जो कि हमने आटे से बनाया है। सिर्फ 2 मिनट में आप सिर्फ आटे से और साथ ही एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालकर आप ये डोसा बहुत ही क्रिस्पी, बहुत टेस्टी झटपट तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बनाना कैसे है ये डोसा। तो सबसे पहले डोसे को बनाने के लिए हमें इसकी स्टफिंग बनानी होगी। तो आलू मसाला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए मैं दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 उबले हुए मीडियम साइज के मैंने आलू ले रखे हैं। इसको हमें छील लेना है और छील कर इसके बाद में हाथों से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए आलू को यहाँ पर हमने इस तरह से मैश करके रख लिया है। अब इससे हम बनाएंगे डोसे का मसाला। डोसे का आलू मसाला बनाने के लिए हमें क्या करना है आइए देख लेते हैं। तो डोसे का आलू मसाला बनाने के लिए मैंने एक लिया कढ़ाई। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून डाला है मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को हीट कर लें और इसमें ऐड कर दें राई। तो आधी चम्मच राई मैंने ऐड कर दी है। अच्छे से जब राई भी फूटने लगेगी तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चना दाल। साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धुली हुई उड़द की दाल। इसके साथ ही हरी मिर्च ऐड करनी है हमें, तो 2 से 3 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक काट कर ऐड कर दें। इसके साथ ही अदरक भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अदरक को मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है, तो 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा आप काट कर ऐड कर दें। इसके साथ ही थोड़े से करी पत्ते भी हम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो करी पत्तों को काट कर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसको ऐसे ही ऐड किया है। और मीडियम फ्लेम पर इन सारी चीजों को भून लीजिए। हल्की सी दाल को हमें भूनना है और उसके बाद में इसमें हम ऐड करेंगे हींग। तो इसमें हींग हमें लगभग 1 से 2 पिंच के करीब हींग ऐड करनी है। तो ये देखिए हींग ऐड कर दी हमने। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने एक बड़े साइज की प्याज ली, उसको मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया। तो प्याज भी मैंने ऐड कर दिए। अब प्याज को भी हमें हल्का कलर आने तक भूनना है। बहुत ज्यादा ब्राउन करने की जरूरत नहीं है, बस प्याज को हमें हल्का सा कलर देना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर प्याज को लंबा लंबा काटा है। आप प्याज को बिल्कुल बारीक काट कर भी ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा प्याज को भुनने में। और ये देखिए इस तरह से प्याज का जब कलर चेंज हो जाएगा तब इसमें हम हाथों से मैश किए हुए आलू ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आधी छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही स्पाइसी को बनाने के लिए हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रहे हैं। आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने। नमक ऐड करेंगे। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करना है आपको। मैंने यहाँ पर 3/4 टीस्पून ऐड किया है। इसके साथ ही खटास के लिए हम इसमें 1 नींबू का रस ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर नींबू का रस इसमें ऐड करने वाली हूँ। आप इसमें अमचूर पाउडर भी लगभग आधी चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से पोटैटो मैशर की हेल्प से सारे आलू को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो सारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, साथ ही जो आलू है वो भी अच्छे से बिल्कुल बारीक हो जाएगा। और बहुत बढ़िया सा आपको पोटैटो मिक्सचर मिल जाएगा। बढ़िया सा डोसे का मसाला बनकर रेडी मिल जाएगा। लास्ट में इस पर डाल दीजिए थोड़ा सा इस तरह से नींबू का रस। इस तरह से अगर डोसे का आप आलू बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगा, बिल्कुल बाजार वाला आपको टेस्ट आएगा। आप एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। उड़द दाल और चावल से बने डोसे तो आपने बहुत खाए होंगे, पर आटे का डोसा आपने कभी नहीं टेस्ट किया होगा, कभी नहीं खाया होगा। तो ये देखिए सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लास्ट में इस पर डालिए थोड़ा सा हरा धनिया और मिक्स कर लीजिए। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और यहाँ पर हमारा आटा डोसा बनाने के लिए मिक्सचर स्टफिंग बनकर बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने एक बोल में निकाल लिया है और इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं आटे का घोल, जिससे हम बनाएंगे क्रिस्पी आटा डोसा। तो इसके लिए मैंने लिया है एक बोल। इसमें मैंने 1 कप ऐड किया है होल व्हीट फ्लार, यानी कि गेहूं का आटा। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, लगभग आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर दें और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लें। इसके बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो नमक और ये देखिए नमक को और आटे को हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद में इसमें धीरे धीरे करके पानी हम मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं 1 कप पानी लिया है सबसे पहले, और धीरे धीरे करके आप इस तरह से पानी ऐड करें। एकदम से पानी ना ऐड करें, वरना इसमें आटे में गुठलियाँ पड़ जाएंगी और आपको आटे को यूनिफॉर्म करने में, कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये देखिए इस तरह से, कुछ इस तरह से करके आप धीरे धीरे करके पानी डालें। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो एक विस्क की भी हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से विस्क की हेल्प से जब आप बैटर को बीट करेंगे तो जो बैटर है उसमें लम्स नहीं पड़ेंगे, साथ ही बैटर एकदम यूनिफॉर्म हो जाएगा। आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बैटर को हमें पतला ही रखना है, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। बैटर अगर गाढ़ा रहेगा तो जो हमारा आटा डोसा है वो भी काफी मोटा सा बनेगा और खाने और देखने में अच्छा नहीं लगेगा।
तो ये देखिए ये है फ्रेंड्स वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है इनो फ्रूट सॉल्ट। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे लगभग हाफ सैशे के करीब इनो फ्रूट सॉल्ट, जो इसको बिल्कुल इंस्टेंट फर्मेंटेशन देगा। तो जिस तरह से हम ढोकले का बैटर फुलाते हैं, जिस तरह से ढोकले के बैटर में इंस्टेंट फर्मेंटेशन देते हैं इनो फ्रूट सॉल्ट ऐड करके, वैसे ही हमें यहाँ पर इनो ऐड करना है। तो आधा सैशे इनो ऐड करने के बाद में हल्के हाथों से जेंटली यानी कि इसको मिक्स करना है हमें। और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी बबल्स आ गए हैं और इसमें फर्मेंटेशन आ चुका है। तो फटाफट से इससे हम बना लेते हैं आटा डोसा। आटा डोसा बनाने के लिए ये देखिए हमें ये कंसिस्टेंसी रखनी है। तो फ्रेंड्स बैटर हमारा रेडी है। दूसरी तरफ तवे को भी मैंने हीट कर लिया है। मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक तवा लिया है, आप नॉर्मल रोटी वाला जो तवा होता है लोहे का तवा उस पर भी बना सकते हैं। तो लगभग 2 चमचे भरकर मैंने यहाँ पर घोल डाला है। डोसे का घोल डालने के बाद में इस तरह से लैडल की हेल्प से ही, बैक पार्ट की हेल्प से हम इस तरह से गोल गोल फैलाएंगे। ये देखिए इस तरह से आप डोसा बना लें। आंच अभी हमारी तेजी है, हाई फ्लेम है और हाई फ्लेम पर ही आप इसको लगभग 1 मिनट तक उकोने दीजिए। एजेस पर इस तरह से ऑयल या घी लगा दे जो भी आपको पसंद हो। सेंटर में आप देख रहे हैं सेंटर में थोड़ा सा भी ये कच्चा है, तो जब इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा तब हम आंच को धीमा कर देंगे और अच्छे से इसको हम लो फ्लेम पर ही लगभग 3 से 4 मिनट तक सिकने देंगे। आप देख सकते हैं साइड से इसको एजेस से स्क्रेप करना कितना इजी है, आराम से ये निकल कर आ रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं, कोई कह सकता है ये आटा डोसा है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। जिस तरह से उड़द की दाल और चावल का हम डोसा बनाते हैं क्रिस्पी बनता है, तो कभी शायद ही आपने ट्राई किया हो ये आटा डोसा, तो आप इसको बनाकर जरूर देखिए। ये देखिए, और जब भी आप डोसा बनाते हैं तो उड़द की दाल का बनाएं या फिर इस तरह से आटे का बनाएं तो उसको एक ही साइड से सेका जाता है। अक्सर से लोग मुझसे पूछते हैं, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपने इसको एक साइड से सेका एक साइड से, तो एक अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप डोसा बनाते हैं तो उसको एक साइड से ही सेका जाता है और सेंटर में इस तरह से स्टफिंग रख दीजिए और इसको आप फोल्ड करके सर्व कर सकते हैं। तो आटा डोसा एकदम गरम गरम खाइए, क्योंकि जब आप इसको प्लेट पर रखते हैं तो धीरे धीरे ये सॉगी होने लगता है। तो फटाफट से आप इसको किसी भी चटनी सांभर या फिर इसको एज इट इज आप केचप वगैरह के साथ किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी बना है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही यमी लग रहा है फ्रेंड्स। और ये जो फिलिंग हमने बनाई है ये बीच में रखकर आप इस तरह से इंजॉय कीजिए, बहुत मस्त लगेगा। और ये देखिए एक और डोसा मैं आपको फैलाकर दिखा रही हूँ। इस बार मैंने जो घोल है थोड़ा सा मोटा रखा है, थोड़ा सा गाढ़ा रखा है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मोटा डोसा बना है। तो अगर आपको थोड़ा मोटा डोसा पसंद है तो इस तरह से मोटा भी बना सकते हैं। ये देखिए 4 मिनट तक मैंने इसको सेक लिया है। एजेस पर आप देख सकते हैं कलर आ चुका है, ये सिक चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया डोसा हमारा सिककर तैयार हुआ है। बीच में आप रख दीजिए वापस से स्टफिंग इस तरह से, चाहे तो स्टफिंग में थोड़ी सी मटर भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ मटर, उबली हुई मटर और टमाटर मैंने डाला है। तो इस तरह से भी बनाकर आप सर्व कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप स्टफिंग को तैयार करके आप डोसा बना सकते हैं। नाश्ते में इसको खाइए, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं या फिर लंच या डिनर में कभी भी इसको बनाया जा सकता है। और नॉर्मली आप जो सांभर वगैरह बनाते हैं घर में उसके साथ या फिर रेड चटनी के साथ, व्हाइट चटनी के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। सभी की रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। होटल स्टाइल सांभर कैसे बना सकते हैं उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ये देखिए मैं आपको एक और डोसा बनाकर दिखा रही हूँ। तो सारे डोसे हमें इसी तरीके से फैलाने हैं, बनाने हैं। ऑयल लगा दें, इसको बढ़िया से 3-4 मिनट तक सेक लें, बीच में रखेंगे स्टफिंग, फोल्ड करेंगे और इसको गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अब आप भूल जाएंगे उड़द की दाल और चावल का डोसा, फटाफट बनाइए। आटा तो सभी के घर में होता है, तो क्या सोच रहे हैं, फटाफट इसको बनाइए, ट्राई कीजिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। उड़द की दाल चावल का जो आप डोसा बनाते हैं उससे कहीं भी ये कम नहीं है और बहुत ही बढ़िया बना है। ये देखिए मैं तो इसको स्टफिंग करके और फटाफट इसको इंजॉय करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक और स्टफिंग बनाई है जिसमें मैंने मटर और थोड़ा सा टमाटर भी डाला है। तो इस तरह से भी आप स्टफिंग को बना सकते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, अगर आप देख पा रहे हो, ये देखिए मैं आपको प्लेट पर रखकर दिखाती हूँ किस तरह से डोसा हमारा देखने में लग रहा है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी आटा डोसा बना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका क्रिस्पी टेक्सचर। ये देखिए स्टफिंग भी अब आप देख पा रहे होंगे। और फटाफट से इसको हमें इंजॉय करना है फ्रेंड्स, क्योंकि जो आटा डोसा होता है प्लेट पे रखने के बाद धीरे धीरे सॉगी होने लगता है। तो फटाफट से गर्मा गर्म इसको इंजॉय करना है हमें। ये देखिए मैं तोड़कर आपको दिखाती हूँ, सुन रहे हैं ना आवाज़। ये देखिए
बहुत ही बढ़िया बनाया फ्रेंड्स, इसको फटाफट आप इंजॉय कीजिए। ये देखिए मैं तो जा रही हूँ इसको इंजॉय करने, और आप भी इसको बनाइए, क्योंकि कुछ भी आपको नहीं चाहिए, सिर्फ इनो फ्रूट सॉल्ट आपको चाहिए। आटा सभी के घर में होता है, रोटी चपाती हम उससे बनाते हैं। स्टफिंग बना लीजिए, और नहीं भी बना रहे हैं तो प्लेन खा सकते हैं आप। प्लेन किसी भी चटनी के साथ, केचप के साथ खा लीजिए, बच्चों को खिलाइए। अगर आप रोटी कभी नहीं बना पा रहे हैं तो फटाफट से आप आटे को घोलिए और उसमें आप इनो फ्रूट सॉल्ट डालकर आप फटाफट से आटा डोसा कभी भी बना सकते हैं। तो है ना कमाल की रेसिपी, आप भी इसको ट्राई कीजिए, बनाइए इस रेसिपी को। मैं तो इसको एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप रखिए अपना ख्याल, फिर मिलती हुई बिल्कुल नई रेसिपी के साथ। बाय।